मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस समय मैं मौजूद हूँ वीबी नगर परिसर में और ये जो आप मेरे पीछे ब्रिज देख रहे हैं ये वीबी नगर का SLR ब्रिज है और इसी ब्रिज के नीचे ये जो फुटपाथ आप देख रहे हैं यहाँ पर अवैध तरीके की पार्किंग बसाई गई है। अब ये पार्किंग कौन बसाया है और क्या मामला है ये हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस पर जो है पत्र व्यवहार भी किया था नयार आलम ने। और आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड होने के बावजूद यहाँ पर पार्किंगें लगती है और पार्किंग का पैसा लिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पार्किंग का पैसा आखिर क्यों लिया जाता है और फुटपाथ पर कब्जा क्यों किया जा रहा है। तो फिलहाल इस पूरे बात को लेकर के बात करेंगे। आपने जो है इस पर कंप्लेंट भी किया था, कई कंप्लेंट, कौन है और क्यों जो है पार्किंग बसाया हुआ है? वो वही तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, इसका पैसा किसको जाता है? पुलिस बोलती कि हमारा नहीं है इन्वॉल्वमेंट है, तो किसका इन्वॉल्वमेंट है? कौन चला रहा है? वह चला रहा है और गाँव से लोगों को ला के पार्किंग का पैसा लेता है, उसके अब्बा लिए, मेरे पास एविडेंस है, सब कुछ है। पार्किंग का जो पैसा लेता है कितना रुपया लेता है और क्या हिसाब से जो यहाँ पर रुपया गाड़ी धुलने के साथ में लेता है? गाड़ी धुलने के साथ रात का या दिन का? सब जिम्मेदारी है उसकी। यहाँ पर स्थानीय पुलिस स्टेशन भी है और यहाँ पर एल विभाग भी जो है बाजू में है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी प्रशासनिक लोगों का ध्यान इधर पे क्यों नहीं जाता? ध्यान इसमें क्या दबा हुआ है अपने को नहीं मालूम पड़ेगा ना, कानूनी प्रोसीजर से इसमें क्या दबा हुआ है? नगर सेवक देख रहा है, आम रास्ता बस एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में मारा कौन है? पंच ये खुद प्रेस रिपोर्टर बोलता है, ये प्रेस रिपोर्टर हूँ और पंच बनता है ये खुद, तो पुलिस पंच बनाती है कि ये खुद जाके बनता है? हर केस में ये मौजूद रहता है, इनलीगल कारोबार खुद कर रहा है और सबको फेक केस में फंसाने की धमकी देता है और RTI मारता है, तड़ी पार करवा दूँगा। जब ये पंच बनता है तो उसको खुद को मालूम है कि ये सामने वाले के खिलाफ मैं कितने बार पंच बना हूँ, उसको मालूम है ना। ये चीज़ के वजह से ये हरेश में। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा आतंक भी, इसके लिए कोई बोलता नहीं? कोई बोलता नहीं है, उसका दबाव है, चाहे वो किसी की भी वजह से या पॉलिटिक्स बेस से। कुछ हादसा वगैरह यहाँ पे हुआ है कभी? बस का एक्सीडेंट हुआ, इसमें ये पंच बना, गोंडी के लड़के मुबीन सलीम शेख को और दो तीन जन को बना दिया और तोड़ने का रिकॉर्ड तो उसके पास ही है कि कौन तोड़ा है रियल में, अगर वही लोग तोड़े तो कोर्ट फैसला करेगी। अच्छा, स्थानीय यहाँ पर विनोबा भावे पुलिस स्टेशन है और एल वार्ड है और साथ ही साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि है, उनसे क्या अपील रहेगी और क्या गुजारिश करते हैं? उन लोग से गुजारिश चाहिए कि रास्ता जब जाम होता है शाम को तो सारी समस्या का हल ये पार्किंग है। पुलिस के पास जाओ, पुलिस बोलती है हमारा नहीं, RTO के पास जाओ तो बोले हम लोग यहाँ इतनी गाड़ी रखेंगे कहाँ उठा के। अच्छा, लीपापोती का आपको आश्वासन दिया? आश्वासन दिया जाता है। फिलहाल ये सब बातों को लेकर के इन्होंने प्रशासनिक लेवल तक अपील की, लेकिन यहाँ पर सवाल जो है इनका स्पष्ट है कि किसके संरक्षण से यहाँ पर अवैध पार्किंगें लगाई गई है और पार्किंग लगाने के बाद जो है उस पर पैसा लिया जाता है। अब इस पूरे बात को लेकर के यहाँ पर इसका खुलासा सिर्फ़ और सिर्फ विनोबा भावे पुलिस स्टेशन ही कर पाएगी कि ये पार्किंग का पैसा कहाँ जा रहा है और किसने यहाँ पर इतने धड़ल्ले से पार्किंग बसाया है। अब ये देखिए कि यहाँ पर अभी तो फिलहाल दोपहर का और शाम का टाइम रहता है तो यहाँ पर पार्किंगें नहीं लगती, लेकिन जैसे ही रात होती है वैसे ही यहाँ पर तमाम जो है गाड़ियाँ खड़ी होने लगती है और उस गाड़ियों का पैसा जो नयार आलम ने जिन पर आरोप लगाया है वो लेते हैं। ये सब बातों को लेकर के आगे किस तरीके से पुलिस द्वारा जो है मामला देखा जाता है और कैसे नायर आलम की एक अपील को सुना जाता है ये देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नदीम खान के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, कुर्ला।